हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ योर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं ये आपको सबको पता है, सभी स्टूडेंट्स ने प्लस टू में ये पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम आज ये टॉपिक करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इससे पहले, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ। जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर एंड कर्व फिटिंग। ठीक है, कर्व फिटिंग पढ़ाया था, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर पढ़ाया था। तो मैं बस एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहती हूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा कर्व फिटिंग क्या होता है। तो कर्व फिटिंग में हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास कुछ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जैसे एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स एन वाई एन होता है, अगर मैं उन ऑब्जर्वेशन को, उन पॉइंट्स को अपने ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ, जैसे हमने यहाँ पे अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, तो उन पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद मुझे ये देखना है कि इन पॉइंट्स पे कोई भी एक ऐसा कर्व जो इन पॉइंट्स पर फिट बैठता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व फिटिंग बोलते हैं। कि अगर मेरे पास जैसे ये एक फिगर है, इसमें मैंने अपने पॉइंट्स को प्लॉट किया, इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर मेरे पास एक जो स्ट्रेट लाइन है वही इन पॉइंट्स पर क्या है, फिट बैठती है। क्योंकि अगर मैं ये कर्व बनाती हूँ तो हमारे पास इन पॉइंट्स पर फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि ये पॉइंट्स मेरे यहाँ पर कहीं पर नहीं है, तो ये कर्व मेरा यहाँ पर प्लॉट नहीं हो सकता। तो इन पॉइंट्स पर मेरी एक स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो सकती है। तो हमारे पास इन पॉइंट पर बेस्ट फिटिंग कर्व क्या आया है, एक स्ट्रेट लाइन आई है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कर्व फिटिंग बोलते हैं। कि अगर मेरे पास कोई भी डाटा गिवन है, उन डाटास को अगर मैं प्लॉट करती हूँ एक रेक्टेंगुलर सिस्टम पे, तो उन पॉइंट्स में कौन सी मेरी ऐसी कर्व है जो फिट बैठती हो, जो भी कर्व फिट बैठेगी उसकी जो इक्वेशन होगी, दैट इज़ योर कर्व फिटिंग। हम क्या करते हैं, अब देखो ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है बताने के लिए कि अगर ये मेरे डॉटेड पॉइंट्स हैं और इस पे मैंने इन डॉटेड पॉइंट्स को देखकर मैंने यहाँ पे ये देख लिया कि यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ही फिट बैठ सकती है। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना कि सारे के सारे जो डाटाज हों और ऑब्जर्वेशन जो भी हमें गिवन हों, हम उनको फिगर से ही जज करें कि हमारा बेस्ट फिटिंग कर्व क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, ये पता करने के लिए कि हमारे जो भी डाटा या ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी उसमें हमारी कौन सी कर्व फिट बैठेगी, उसके लिए हम एक मेथड पढ़ते हैं। दैट मेथड इज योर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो हम इस मेथड में ये पढ़ते हैं कि जो भी हमें डाटाज गिवन होते हैं उसमें बेस्ट कर्व कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, तो मैंने आपको कल यहाँ पर ये समझाया था कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं, उन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करते हैं और प्लॉट करने के बाद हमारे पास कुछ एरर्स भी आ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं कोई भी ग्राफ बना रही हूँ, उन ग्राफ में अपने पॉइंट्स को प्लॉट कर रही हूँ, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद एक कर्व को फिट कर रही हूँ, तो उसमें हमारे पास दो पॉइंट आते हैं, एक आता है हमारा ऑब्जर्व, एक आता है एक्सपेरिमेंटल। लेकिन जो बुक के अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो उन्होंने हमें बोला था कि एक हमारा क्या होता है एक्चुअल वैल्यू, एक क्या होती है हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू। तो अगर मैं डाटा प्लॉट कर रही हूँ और एक अपना कर्व को फिट कर रही हूँ, तो एक पॉइंट मेरा क्या होगी एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू यानी कि जो डाटा गिवन था वो मैंने प्लॉट किया, और जो मैंने कर्व यहाँ पे फिट किया वो आपकी क्या है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो अगर मैं उनको सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे कुछ एरर्स मिलेंगे। ठीक है, तो एरर हम कैसे निकालते हैं, एक्चुअल वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू। और एरर को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, डी से डिनोट कर रहे हैं। तो वो बोल रहा है कि जब मैं अपने एरर्स को फाइंड आउट करूँगी तो उनका स्क्वायर करके उनका जो सम होगा वो मेरे पास क्या आना चाहिए, लीस्ट आना चाहिए। कि अगर मेरे पास एरर्स मेरे फाइंड आउट हो रहे हैं तो उन एरर्स का जो स्क्वायर होगा और उनका सम होगा अगर वो लीस्ट आता है, तो इसका मतलब जो मेरा कर्व है, जो फिटिंग कर्व है, वो हमारा क्या होगा, बेटर होगा। और अगर वो लार्ज आता है तो वो हमारा बेटर नहीं होगा। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, बेस्ट फिटिंग कर्व बोलते हैं। कि अगर हमारे पास इसकी वैल्यू मिनिमम आती है देन दैट इज़ योर बेस्ट फिटिंग कर्व।
आज हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वैसे यू ऑल नोज अबाउट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आप मैथ्स में भी फर्स्ट सेम में पढ़ चुके हो। तो देखो बहुत आसान लगेगा आपको ये टॉपिक। कंसिडर अ सेट ऑफ एम लीनियर इक्वेशन, मैंने एक क्या किया, एक सेट लिया एम लीनियर इक्वेशंस का। ठीक है, लीनियर का मतलब आपको सबको ही पता है कि अगर हमने कोई एक सेट लिया है एम लीनियर इक्वेशंस का और जिसमें एन अननोन्स है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए वो मैंने क्या कंसिडर किए हैं एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन, क्योंकि एन अननोन्स है ना, तो मैंने यहाँ पर अपना जो सेट लिया है क्या लिया है एक्स वन एक्स टू अप टू एक्स एन लिया है, जिसमें एन क्या है अननोन क्वांटिटीज़ हैं। इसके बाद मैंने ए और बी दो क्या लिए हैं, कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यूज ले ली हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ अननोन्स लिए हैं, ठीक है, एन अननोन्स लिए हैं और दो अपने क्या लिए हैं कॉन्स्टेंट वैल्यूज लिए हैं, दैट इज योर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। तो मैंने यहाँ पर एक सेट ले लिया ए वन वन एक्स वन ए वन टू एक्स वन अप टू ए वन एन एक्स एन, दैट इज इक्वल्स टू बी आई। बी यहाँ पे क्या है आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है और ए बी क्या है आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू है। ठीक है, ऐसे ही सेकेंड आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन ए टू वन एक्स वन ए टू टू एक्स टू अप टू ए टू एन एक्स एन विच इज़ इक्वल्स टू बी आई। बेटा ये बी आई है, ठीक है, थोड़ा सा ये मतलब लिखते टाइम ना ऐसे हो गया था, दिस इज़ योर बी आई, ठीक है ना, दिस इज ए एम वन एक्स वन ए एम टू एक्स टू अप टू ए एम एन एक्स एन इक्वल्स टू बी आई। तो मैंने जो सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है एम लीनियर इक्वेशंस लिया है जिसमें एन मेरे क्या है अननोन्स हैं, तो ये सारी की सारी मैंने इक्वेशंस ली है और इन सबको ही मैंने क्या कंसिडर किया है इक्वेशन नंबर वन। अब वो हमें कह रहा है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आप एम और एन लेकर चल रहे हो, यानी कि एम लीनियर इक्वेशन और एन अननोन्स ले रहे हो, अगर वे दोनों ही आपके इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, एम और एन की वैल्यू अगर इक्वल हो जाती है, देन द सेट ऑफ द वैल्यूज, जो हमने सेट ऑफ द वैल्यूज़ लिया है एक्स वन एक्स टू एक्स एन, वो हमारा सेटिस्फाई करता है द अबव सेट ऑफ द इक्वेशन, और उसको हम क्या बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। कि अगर एम इक्वल्स टू एन आ जाता है हमारे पास, तो हमारे पास जो ये ऊपर सारी इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई करती हैं, और सेटिस्फाई करने के बाद हम उसको क्या बोलते हैं एक यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। लेकिन अगर एम की वैल्यू हमारी एन से क्या होगी ग्रेटर होगी, तब हमारे पास जो ये सारी इक्वेशन है इक्वेशन नंबर वन, तब उसमें हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन हमें नहीं मिलेगा। तो ये हमें कंडीशंस बता दी कि अगर इन इक्वेशंस में एम और एन इक्वल होगा तब तो आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और अगर एम ग्रेटर देन एन होगा तब वो आपका क्या होगा नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है ना, सॉल्यूशंस निकालने तो हमें आते ही हैं, इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें अपने सॉल्यूशंस निकालने आते हैं। तो जब हम ये निकाल लेंगे, निकालने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। ठीक है ना, तो हम सॉल्व करके नहीं दिखा रहे, हम बस अपनी कंडीशंस को यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाला सॉल्यूशन होगा, ये वाली कंडीशन होगी तो हमारा ये वाला सॉल्यूशन होगा। सो इन सच सिचुएशन वी ट्राई टू फाइंड दोज वैल्यूज, तो वो हमें कह रहा है कि इन सिचुएशंस में हम क्या कर रहे हैं अपनी वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे एक्स वन एक्स टू एक्स एन है ना। ठीक है, सो वी सेटिस्फाई द अबव सेट ऑफ द इक्वेशन एज नियरली एज पॉसिबल, लेट अस अंडरस्टैंड द एंटायर मैटर विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल इन टू अननोन्स। हम क्या कर रहे हैं इसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी जितनी भी इक्वेशंस हमने ऊपर कंसिडर की हैं, हम क्या कर रहे हैं उसको एक बार चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेकर हम ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो ऐसे आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या किया, अपने आप से ना एक एग्जाम्पल ले लिया बेटा। ठीक है, अपने आप से मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिए हैं, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू थ्री, टू एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू वन, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू नाइन, इसको इक्वेशन नंबर टू थ्री एंड फोर, क्योंकि इक्वेशन नंबर वन हमने यहाँ पर ये वाली कंसिडर कर ली है ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने बेटा ये एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, ये मैंने ये तीन इक्वेशंस ले ली हैं, अपने आप से मैंने ये इक्वेशंस कंसिडर की हैं। अब हमें क्या करना है, हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता ही है, सभी बच्चों को आता है। तो हमारे पास यहाँ पे थ्री इक्वेशंस हैं, हमें इनका सॉल्यूशंस निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले मैंने सेकंड इक्वेशन ले ली और थर्ड इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन ले ली। ठीक है, आपने क्या करना है बेटा, ये आप लोगों का काम है, आपने सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है, आसान है ये समझाने की तो ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं है। ग्रेजुएशन के बच्चों को अब हम ये तो नहीं सिखाएंगे ना कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकलती है। मुझे पता है सभी बच्चों को आता है, मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो आपको सबको आता है कि इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। चाहे एलिमिनेशन मैथड से निकालो, सब्सटीट्यूशन मैथड से निकालो, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, आपको एक बार सेकेंड और थर्ड इक्वेशन लेनी है, फिर एक बार सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन लेनी है, और एक बार सॉरी स्टूडेंट्स मैंने ना यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर ना गलत लिख दी है। ठीक है, करेक्ट करते हैं। एक बार सेकेंड और थर्ड लेंगे, एक बार सेकेंड और आई थिंक ये फोर्थ है, एंड दिस इज़ योर फोर्थ एंड सेकेंड। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे एक बार आप फर्स्ट टू लोगे, देन फर्स्ट और थर्ड लोगे, ठीक है, और देन लास्ट टू लोगे। तो यहाँ पे भी ये गलती हो गई है, सेकेंड और थर्ड हो जाएगी, देन ये आपकी है थर्ड और फोर्थ। ठीक है, थर्ड और फोर्थ, ये आपकी फोर्थ और सेकेंड। ठीक है, और बेटा जब आप लोग सॉल्व करोगे ना इन इक्वेशंस को, अगर मेरे पास यहाँ पे ये इक्वेशंस नंबर अगर मैंने बाई चांस, जैसे अभी मुझे नहीं पता है ना, ठीक है, मैंने सॉल्व करके तो नहीं देखा, मैंने तो ये डायरेक्ट लिखा हुआ है बुक में से, तो आप एक बार चेक कर लेना। अगर इन दोनों को सॉल्व करके ये वाला आंसर आता है तो इट मीन्स यही सही है। ठीक है, बस आपने काम करो, आप ये इक्वेशंस छोड़ दो। ठीक है, देखो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करके तो ये आंसर आएगा, यानी कि फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करके तो ये आंसर आएगा। फिर ये दोनों सॉल्व कर लेना, एक फर्स्ट और लास्ट सॉल्व कर लेना, आपको ये तीनों सॉल्यूशंस मिलने चाहिए। ठीक है ना, इक्वेशन अपने आप से सॉल्व करके देख लेना और आपको ये वैल्यूज़ मिलेंगी। अब देखो ये वैल्यूज़ मिलने के बाद इनका देखो, पहले दो इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू भी 1, एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 0, तो इन तीनों को सॉल्व करके मुझे मेरी वैल्यूज़ तो मिल गई हैं, लेकिन वो कह रहा है कि देयर इज़ नो यूनिक पेयर ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके अलग वैल्यू आ रही है, इसकी अलग आ रही है, इसकी अलग आ रही है, सेम तो किसी की नहीं आ रही, सबकी डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, विच सेटिस्फाई ऑल द थ्री इक्वेशन, ये हमारा सेटिस्फाई कर रही है। सो इन कंडीशन में वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन विच विल बी एज नियर एज पॉसिबल टू द डिफरेंट सॉल्यूशन। तो इन केसेज में हम क्या करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, अपना सॉल्यूशन फाइंड करना है जो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट हो हमारे डिफरेंट सॉल्यूशन से। तो वो हम कैसे करते हैं, सो अकॉर्डिंग टू द लेजेंडरी सच वैल्यूज आर ऑब्टेन इन विच एस इज मिनिमम। तो हमने क्या किया, एक हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज़ ये मिनिमम वाला मेथड होता है जो हमने लेजेंड्रे के अकॉर्डिंगली पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू लेजेंड्रे, ये एक आपका साइंटिस्ट है जिसने हमें ये बताया है कि अगर हमारे पास कोई भी एक टर्म है उसकी अगर हम मिनिमम वैल्यू लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक एस ले लिया, ठीक है, एस की वैल्यू आपकी कोई भी मिनिमम होगी, तो एस मैंने यहाँ पर एक कंसिडर किया है, क्या कंसिडर किया है, समीशन ऑफ ई आई स्क्वायर वेयर आई रनिंग फ्रॉम 1 to m। तो हमने क्या किया, एक एस कंसिडर किया, एस की वैल्यू बेटा यहाँ पे आपकी मिनिमम है, वो मिनिमम वैल्यू मैंने ये कंसिडर की है, क्या ली है, ई आई स्क्वायर, जिसमें समीशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to m तक जा रहा है। यहाँ पर जो ई आई है वो जनरली आपका क्या है, एरर या फिर रेजिडुअल है, आप उसको एरर भी कह सकते हो और रेजिडुअल भी कह सकते हो, यानी कि ये आपकी क्या है, एक एरर वैल्यू है। ठीक है, इस एरर वैल्यू को मैंने अपने आप से कंसिडर किया है, क्या ए आई 1 x1, ए आई 2 x2, अप टू ए आई एन xn माइनस बी आई। माइनस बी आई क्यों आया, क्योंकि देखो हम यहाँ पे m लीनियर इक्वेशंस ले रहे हैं, तो मैंने जो ये वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली इक्वेशन ले ली, और जब बी आई को मैं इधर लेकर जाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ बी आई। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो अपना ई आई लिया है वो मैंने पूरी इक्वेशन ली है, जिसमें लास्ट में क्या आएगा, माइनस बी आई, और यहाँ पे क्या आएगा, होल का स्क्वायर, क्योंकि ई आई स्क्वायर है ना, तो सारी की सारी टर्म लिखेंगे और फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। सो नाउ यूजिंग थ्योरी ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन कैलकुलस वी शैल मिनिमाइज, हमें क्या करना है, उसको मिनिमाइज करना है। कैसे करेंगे, मैंने टर्म ले ली, ये आपके पास पूरी की पूरी टर्म है, आपको इसका समीशन ओपन करना है, पहले आई की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, ऐसी कहाँ तक वेरी करेगा, एम तक वेरी करेगा। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में सबसे पहले आई की वैल्यू 1 पुट की तो मेरे पास ये वाली टर्म आ जाएगी, 2 पुट करूँगी तो ये आ जाएगी, ऐसी अप टू सोन, जब एम पुट करूँगी तो ये आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे समीशन की वैल्यू को
ओपन किया, ओपन करके आपको ये मिल गया। अब वो कह रहा है कि जैसे मुझे पता है कि एस मेरे पास क्या है, लीस्ट है, यहाँ पे पढ़ा है ना कि एस हमारे पास क्या है, मिनिमम है, यानी कि एस हमारे पास लीस्ट है, तो हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास सारी की सारी इक्वेशन है ना, ठीक है, हम इसकी क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि कर्ली एस अपॉन कर्ली एक्स जे करेंगे विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। डिफरेंशिएशन करने के बाद, इस पूरी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें उसको क्या करना है, इक्वल्स टू ज़ीरो के पुट करना है। और यहाँ पे आपका जो जे है वो जे कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, फ्रॉम वन टू अप टू एन। तो आइए देखिए हमें कैसे करना है। सो वी गेट द फॉलोइंग एन इक्वेशंस, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो मेरे पास एस की इक्वेशन है ना, मैं उसको एक्स वन के रेस्पेक्ट में क्या करी हूँ, डिफ्रेंसिएशन करी हूँ, और डिफ्रेंसिएशन करने के बाद उसको इक्वल्स टू ज़ीरो के पुट करूँगी। ठीक है, तो देखो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स वन, जो एस है ना यहाँ पर, मैंने एस की इक्वेशन ले ली पूरी, यही थी ना, पीछे देखो ये रही आपके पास एस की इक्वेशन, ये सारी की सारी मैंने कंसिडर कर ली है, तो मैंने यहाँ पर एस के प्लेस पर एस की इक्वेशन को पुट किया। अब हमें क्या करनी है, इसकी डिफरेंशिएशन करनी है, पार्शियली डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन सबको आती है ना, अगर मुझे इसकी एक्स वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो कैसे करूँगी, देखो यहाँ पे पावर क्या है, टू, टू कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और उसमें से ही हम क्या करेंगे, माइनस वन, और ब्रैकेट की सारी वैल्यू क्या रहेगी, एज इट इज़। आप ऐसे करते हो ना डिफरेंशिएशन, अगर मुझे एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन करनी है तो हम कैसे करते हैं, टू एक्स टू माइनस वन, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पावर कहाँ आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, पावर में से माइनस वन, और ये वाला जो पूरा ब्रैकेट है वो एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद मुझे एक्स वन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो एक्स वन की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, वन, और उसके साथ क्या है, जो कोफिशेंट है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, बाकी सब क्या हो जाएंगे, ज़ीरो, क्योंकि हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही जब हम नेक्स्ट वाले ब्रैकेट पे जाएंगे तो टू कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और टू माइनस वन, ऐसे ही जब आप एक्स वन के लिए करोगे तो एक्स वन की डिफरेंशिएशन वन हो जाएगी और साथ में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, ए टू वन। तो बेटा मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा क्योंकि हमें एम टाइम्स तक करनी है ना डिफरेंशिएशन, तो मैंने प्लस अप टू सॉन करके लिख दिया, आप चाहो तो इसकी भी डिफरेंशिएशन करके यहाँ साथ में लिख सकते हो। जब मैं इस वाले ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन करूँगी, अगेन टू कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू माइनस वन, पूरा ब्रैकेट एज इट इज़। एक्स वन के लिए करोगे तो एक्स वन की डिफरेंशिएशन वन, और साथ में जो इसका कोफिशेंट है वो कहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मैंने इस पूरी इक्वेशन की डिफरेंशिएशन की तो मुझे क्या मिल गया, ये वाली पूरी की पूरी टर्म मिल गया, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, अब बेटा ध्यान से देखो, मेरे पास जो ये ब्रैकेट है उसके बाहर क्या आ रहा है, टू, यानी कि हर एक टर्म के साथ टू तो मल्टीप्लाई में आएगा ही आएगा, यहाँ पर भी आएगा, नेक्स्ट वाली लाइन में भी आएगा, जैसे फर्स्ट वाले प्लेस पर भी, सेकंड प्लेस पर भी, थर्ड प्लेस पर भी, ऐसे ही एम प्लेस तक मेरे पास हर जगह क्या आएगा, टू आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख लिया, टू। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरा ये ब्रैकेट है ना, मैंने उस ब्रैकेट को लिखा और यहाँ पे उसको समीशन के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि अगर मैं इस टर्म को ओपन करती हूँ, ठीक है ना, मैंने यहाँ पे समीशन वेरी कराया, आई रनिंग फ्रॉम वन टू एन, तो जब मैं इस समीशन को ओपन करती हूँ तो मुझे ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो मैंने क्या किया, इस पूरी की पूरी टर्म को समीशन में कन्वर्ट करके लिख दिया, विच इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो आपके पास ये आ गई, दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली जब आप अगेन एस वाली इक्वेशन को अब एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी, इसको भी मैंने क्या किया, इक्वेशन नंबर ए लिख लिया। तो ये करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर हमारे पास क्या था, ए आई वन, क्योंकि हम वन के रेस्पेक्ट में, यानी कि एक्स वन के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आई वन। जब मैं एक्स टू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगी तो क्या आएगा, ए आई टू। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, इक्वेशन नंबर ए। ऐसे ही अप टू सॉन हम उसको कहाँ तक डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स एन तक डिफरेंशिएट करेंगे, तो उसकी भी डिफरेंशिएशन ये आ जाएगी, विच इज़ इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी मेरे पास क्या है, इक्वेशन नंबर ए। मैंने सबको ही इक्वेशन नंबर ए दे दी है क्योंकि हम एस के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो जब एक्स वन के लिए कर रही हूँ, एक्स टू के लिए कर रही हूँ, ऐसी एक्स एन के लिए कर रही हूँ, तो मैंने सारी इक्वेशंस को ही इक्वेशन नंबर ए मान लिया। ठीक है, सो दीज एन इक्वेशंस विद एन अननोन आर कॉल्ड द नॉर्मल इक्वेशन। तो जो ये इक्वेशन नंबर ए मैंने ली है ना,
इनको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल इक्वेशंस बोलते हैं, कि सॉल्व करके हमारे पास जो भी हमारी एक मिनिमम वैल्यू थी, जो एरर हम लेकर चले थे, अगर मैं उनको डिफरेंशिएट कर रही हूँ और डिफरेंशिएट करके मुझे जो ये इक्वेशंस मिल रही हैं, दिस इज़ योर नॉर्मल इक्वेशंस। इन नॉर्मल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं, मतलब अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, जो हमें बताती है कि हमारा बेस्ट फिट क्या है। सो द वैल्यू ऑफ द अननोन्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम दीज इक्वेशंस आर यूनिक एंड आर द मोस्ट प्लॉसिबल वैल्यूज। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो वैल्यूज़ मेरी अननोन्स की यहाँ पर ऑब्टेन्ड होंगी वो इक्वेशंस की, वो हमारी क्या होंगी, यूनिक होंगी और मोस्ट प्लॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, चलिए अब इस थ्योरम के ऊपर जो अभी मैंने आपको ये कराया है, इसके ऊपर हम अब एक एग्जाम्पल करते हैं तो और आपको अच्छे से क्लियर होगा। ये है आपका एग्जाम्पल नंबर वन, इलस्ट्रेशन नंबर वन। फाइंड द मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या करना है, इन इक्वेशंस में से एक्स और वाई की मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखो, लेट एक्स एंड वाई डिनोट द मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज सो दैट, मैंने एक्स और वाई लिया जो मेरी मोस्ट पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो हम क्या करेंगे, इन सारी की सारी इक्वेशंस को एस के इक्वल लेंगे और उनका क्या करेंगे, स्क्वायर करके सम। स्क्वायर करके सम क्यों किया, क्योंकि डेफिनेशन बताई थी ना कि हम अपने एरर्स को, देखो ये था ना स्क्वायर करके सम। तो अगर मैं एस के इक्वल ले रही हूँ तो एस आपके पास यहाँ पे किस चीज़ को डिनोट करा है, एस की जो भी टर्म हमने ली थी वो एरर्स ही तो लिए थे। तो यहाँ आप क्या करोगे, हर इक्वेशन को स्क्वायर करके उनको हमने क्या करना है, ऐड करके लिखना है। ठीक है, चलो अब देखो बेटा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। देखो ये जो इक्वेशंस है ना, x प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री है, तो आप इसको क्या लिखोगे, x प्लस वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस वाई माइनस टू, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर एंड x माइनस टू वाई माइनस वन। यानी कि जो आपके पास ये राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ है ना, ये आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर जानी है, फिर आपको उनको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, एक्स प्लस वाई माइनस थ्री, एक्स माइनस वाई माइनस टू, एक्स प्लस वाई माइनस फोर एंड एक्स माइनस वाई माइनस वन। सबका स्क्वायर करके हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। आफ्टर दिस आपको क्या करना है, नॉर्मल इक्वेशन जो अभी निकाली है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो एस की इक्वेशन है उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। यानी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमें इक्वेशंस गिवन है उसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, एक्स और वाई है ना, तो x और y है अगर हमारे पास, तो हमने क्या करना है, s को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक बार y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। तो s की इक्वेशन को एक बार x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे और इक्वल्स टू जीरो के पुट करना है। ठीक है, तो बेटा मैंने यहाँ पे s की इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके लिखा हुआ है, उसके बाद आपको ये खुद से सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास आएगी 2.5, तो ये आपको सॉल्व करना है। सिंपल है, s की इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपकी s की इक्वेशन है, आपने इस इक्वेशन की क्या करनी है, डिफ्रेंशिएशन करनी है x के रेस्पेक्ट में, और डिफ्रेंशिएशन करके ये आएगी और इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर द y, एस की इक्वेशन को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो और वाई की वैल्यू निकालो। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई, वाई की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास एक्स और वाई के क्या आ गई, पॉसिबल वैल्यूज। इस अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर टू यानी कि एग्जाम्पल नंबर टू आप लोगों का काम है, ये आप लोगों ने करना है, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है कर्व फिटिंग। देखो कर्व फिटिंग की मैं आपको डेफिनेशन बता चुकी हूँ, ठीक है ना। अब हमें क्या पढ़ना है कर्व फिटिंग में, कि जो भी हमारे पास डाटाज गिवन होंगे उसमें जो कर्व हमारा फिट बैठेगा वो कौन कौन से कर्व हो सकते हैं। ज़रूरी तो नहीं है ना कि स्ट्रेट लाइन ही हो, पैराबोला भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी कर्व हमारा फिट बैठ सकता है। तो हमें अब पढ़ना है कि कौन कौन से कर्व हमारे होते हैं। तो चलिए कर्व फिटिंग क्या होता है, सपोज वी आर गिवन अ डाटा इन टर्म्स ऑफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई हूज पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन आर एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स एन वाई एन। कि मान लीजिए हमने क्या किया, डाटाज लिया है जिसके दो वेरिएबल हमने लिए हैं एक्स एंड वाई, और उनके पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएंगे, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू एंड एक्स एन वाई एन। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एन एनालिटिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। अब हमारे लिए मुश्किल क्या है, फाइंड आउट करना कि जो मैं इक्वेशन लूँगी, यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, ए प्लस बी एक्स होती है। ठीक है, अगर ऐसा कर्व है उसकी इक्वेशन क्या होगी,
और मान लीजिए ऐसा कर्व है, तब उसकी इक्वेशन क्या होगी? मुझे इक्वेशन तो पता होनी चाहिए ना कि अगर हमारा कोई भी कर्व फिट बैठ रहा है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी। सो द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग एन एनालिटिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या है, एक एनालिटिक एक्सप्रेशन है जो हमें फाइंड करना होता है, विच फिट द गिवन डाटा इज कॉल्ड द कर्व फिटिंग। यानी कि जो भी कर्व हमारा फिट बैठता है हमारे गिवन डाटा में, उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व फिटिंग। सो देयर मे बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एफ ऑफ एक्स आउट ऑफ विच सम आर गिवन बिलो। तो वो कह रहे हैं कि जो भी इक्वेशन हमारी होगी, जैसे वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स है स्ट्रेट लाइन की, किसी और के लिए क्या होगा, तो हमें वो फंक्शन फाइंड आउट करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्चुअल में हमारा होगा क्या। ठीक है, तो कुछ उन्होंने हमें यहाँ पे बता रखी है कि मान लीजिए वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये भी हो सकता है, एक तो स्ट्रेट लाइन हो गई, एक ये भी हो सकती है, ये क्या है आपकी पॉलिनोमियल ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स का स्क्वायर अप टू ए के एक्स के, जहाँ पर एक्स के सॉरी ए के आपके पास क्या होगा, नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसका आपका कर्व आपके प्लॉटेड पॉइंट्स में फिट बैठ सकता है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल ऑफ kth डिग्री इन x। अगर यहाँ पर k की वैल्यू 1 हो जाएगी तो आपकी वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अगर यहाँ पर k की वैल्यू 2 होगी तो वो आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, डिग्री ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में k की वैल्यू को 1 पुट करती हूँ तो ये इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन की, और अगर इसी इक्वेशन में k की वैल्यू को 2 पुट करती हूँ तो वो मेरी कौन सी इक्वेशन बन जाएगी, सेकेंड डिग्री पैराबोला। ठीक है, ऐसे ही एक हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पढ़ते हैं, एक आपके पास ये भी इक्वेशन होती है, एक बार आपके पास ये भी इक्वेशन होती है, इसकी भी एक कर्व बनता है। ठीक है ना, इसका भी एक कर्व बनता है। फिर आता है एक आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन, इसका भी आपका कर्व बनता है और इसका भी आपका कर्व बनता है। तो ये आपकी कुछ इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शंस गिवन है एफ ऑफ एक्स, अगर हमारे पास ये वाली टर्म्स होती हैं तो अगर वाई इक्वल्स टू ए ई बी एक्स है तो दैट इज़ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वाई इक्वल्स टू ए बी एक्स है दैट इज़ ऑल्सो योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशंस बता दी हैं कि ये कुछ हमारे पास ऐसे कर्व्स की इक्वेशंस हैं जो हमारे डाटास पे फिट बैठ सकती हैं। ये हमें चेक करना है कि हमारा जो भी डाटा गिवन होगा उस पर कौन सी कर्व फिट बैठेगी, और जो कर्व फिट बैठेगी उस कर्व की इक्वेशन हमारी क्या होगी। सो लेट अस डिस्कस द फिटिंग ऑफ दीज फंक्शंस बाय द मेथड ऑफ द लीस्ट स्क्वायर। तो ये जो हमने फंक्शंस पढ़े हैं ना, देखो ये हमारे फंक्शंस ही तो हैं। अब वो कह रहा है कि हमें ये पढ़ना है कि कौन सा फंक्शन कहाँ पर फिट बैठता है, कौन से डाटा पर फिट बैठता है, वो हम कौन से मेथड में पढ़ते हैं, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मेथड हम कल इसे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आज आपने फिलहाल क्या वर्क करना है, आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करना है ट्राई, बिल्कुल सेम है, और वो आपको अपना वर्क मुझे सेंड करना है। और यहाँ तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क एनी टाइम, एंड प्लीज राइट योर नेम एंड रोल नंबर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, और एक चीज़ और बेटा, मैं आपको जो PDF भेजती हूँ उसमें पहले स्टार्टिंग में तो मैं आप लोगों को ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स होते हैं इसकी पिक भेजती हूँ, और उसके बाद में आपको जिस बुक में से आपको ये टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ उन बुक के फ़ोटोज़ भेजती हूँ। ठीक है ना, तो उस PDF में से ही आपको अपने हैंड रिटन नोट्स और जो PDF बुक की है वो देखनी है और उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को उन PDF में कोई डाउट आता है तो आप वो भी पूछ सकते हो, अगर नहीं समझ आ रहा है ठीक है ना, तो आपने वो भी मुझसे पूछना है। सो थैंक यू।